दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय 5paisa.com. डाउनलोड द ऐप नाउ. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट. डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट. यूज करो कोड INVEST200. निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद. दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद मनाई जा रही है. ईद को रमजान के सब्र का तोहफा माना जाता है. खूब उमंग रहती है. लेकिन फिलिस्तीन, खासकर गाजा पट्टी में आज का दिन भी हवाई बमबारियों के बीच बीता. लोग मरे, जख्मी हुए, घर टूटे और जान बचाने की अफरा तफरी मची रही. इस बमबारी का बैकग्राउंड जुड़ा है जेरूसलम से. वहां पूर्वी जेरूसलम के एक छोटे से इलाके में भड़के प्रॉपर्टी विवाद ने चिंगारी तेज की और हफ्तों से बना रहा तनाव 10 मई को काबू से बाहर चला गया. जेरूसलम का सबसे पवित्र स्थान टेंपल माउंट इसकी जद में आया. 10 मई की सुबह यहां हिंसा हुई. इजरायली फोर्सेस ने पत्थर फेंक रहे फिलिस्तीनियों पर रबड़ की बुलेट्स दागी, मस्जिद को खाली करवाया और जवाब में हमास ने इसराइल पर रॉकेट के हमले शुरू किए और इसकी प्रतिक्रिया में इसराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी. इसराइली बमबारी में अब तक 83 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें 17 बच्चे भी शामिल हैं. वहीं हमास के रॉकेट हमलों के चलते इसराइल में एक बच्चे समेत 7 लोगों की जान जा चुकी है. हम दुनियादारी के पिछले 3 एपिसोड्स में आपको इस प्रकरण की जानकारी दे रहे हैं. इस संदर्भ में आप लगातार एक नाम सुन रहे होंगे, हमास. क्या है हमास? इसकी हिस्ट्री क्या है? वो क्या चाहता है? आज के एपिसोड में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी. एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा एक छोटा सा देश है फिलिस्तीन. जानकारों के मुताबिक फिलिस्तीन को अपना नाम मिला फिलिस्तिया से. फिलिस्तिया 5 शहरों का एक साझा ग्रुप था. इन 5 शहरों के नाम थे गाजा, एस्केलोन, एशडोड, गाथ और एक्रॉन. फिलिस्तिया पर कंट्रोल था फिलिस्ताइंस नाम के लोगों का. ये तकरीबन 3000 बरस पहले की बात है. माना जाता है कि 12वीं सदी ईसा पूर्व में ये लोग लेवांत आकर रहने लगे. लेवांत माने वो इलाका जहां मौजूदा इसराइल, लेबनन और सीरिया का क्षेत्र है. फिलिस्ताइंस शायद शरणार्थी थे जो नए घर की तलाश में यहां आए. प्राचीन सोर्सेज में कुछ जगहों पर फिलिस्ताइंस के साथ हुए युद्धों का जिक्र भी है. इनमें से एक युद्ध इजिप्ट के राजा से हुआ. इसके अलावा कुछ और संघर्षों का भी उल्लेख मिलता है. आपने एक मुहावरा सुना होगा, डेविड वर्सेस गोलियत. उस मुहावरे का मूल भी ऐसे ही एक संघर्ष से है. ये कहानी है ओल्ड टेस्टामेंट में. इसके मुताबिक एक दफा फिलिस्ताइंस और इसराइलियों के बीच एक युद्ध हुआ. इसमें फिलिस्ताइंस की सेना का नेतृत्व कर रहा था गोलायत, खूब लंबा चौड़ा और बलशाली. उधर इसराइलियों की सेना का लीडर था डेविड नाम का एक आदमी. डेविड ने गुलेल की मदद से बलशाली गोलियत को मार दिया और मान्यता है कि आगे चलकर यही डेविड बने किंग ऑफ इसराइल. अब थोड़ा आधुनिक इतिहास पर आते हैं. आधुनिक इसराइल के गठन से पहले जहां फिलिस्तीन देश था, उस भूभाग पर कई समूहों का शासन रहा. इसमें असीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, अरब और इजिप्टियंस शामिल थे. 16वीं सदी की शुरुआत में ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया. 1517 से 1917 तक ये स्थिति रही, यानी पूरे 300 साल तक ये ऑटोमन एम्पायर का अंग रहा. लेकिन पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन्स की हार के बाद अंग्रेजों को फिलिस्तीन पर शासन का अधिकार मिल गया. पहले विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में ब्रिटेन ने जारी किया था एक बयान. इसे कहते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन. इसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन में ज्यूइश नेशनल होम के गठन को सपोर्ट करेंगे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1922 में मित्र देशों ने भी फिलिस्तीनी भूभाग पर यहूदी देश की स्थापना के ब्रिटिश वायदे को अपनी मंजूरी दे दी और इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी इमिग्रेंट्स फिलिस्तीन आने लगे. ऐसा नहीं है कि यहूदियों के फिलिस्तीन आने और यहाँ अरबों से ज़मीन खरीदने की शुरुआत 20वीं सदी में हुई हो. ऐसा पहले भी हो रहा था, लेकिन छोटे पैमाने पर. इसकी वजह यह थी कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदी राष्ट्र बनाने की हलचल. 1799 में नेपोलियन ने फिलिस्तीन को बतौर होमलैंड यहूदियों को देने का प्रस्ताव दिया था. इसके बाद 1882 में फिलिस्तीन के भीतर एक बड़ा यहूदी इलाका बसा. इसका नाम था रेशोन ले जियोन. इसके बाद से ही यहूदी फिलिस्तीनी भूभाग पर अपना देश बनाने के लिए समर्थन जुटाने लगे और फिलिस्तीनी इसका विरोध करने लगे.
फिलिस्तीन की ओर से यहूदियों के खिलाफ पहला बड़ा विरोध हुआ 1929 में, क्योंकि इस वक्त तक बड़ी संख्या में यहूदी दुनिया के बाकी हिस्सों से पलायन कर फिलिस्तीन पहुंच चुके थे और इसके चलते फिलिस्तीनी विरोध भी जोर पकड़ चुका था। बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, हिंसा हुई। जेरूसलम से करीब 30 किलोमीटर दूर हेब्रॉन नाम का एक शहर है। अब वाह फैली कि यहूदी जेरूसलम स्थित टेंपल माउंट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके चलते अगस्त 1929 को हेब्रॉन शहर के भीतर 60 से ज़्यादा यहूदी कत्ल कर दिए गए। इधर हिंसा और तनाव बढ़ रहा था। उधर 1935 में ब्रिटेन द्वारा गठित पील कमीशन ने फिलिस्तीन के बंटवारे की अनुशंसा कर दी। इसके विरोध में फिलिस्तीन के भीतर 6 महीने लंबी हड़ताल हुई। फिलिस्तीनी विरोध के बावजूद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया, इसे रेजोल्यूशन नंबर 181 कहा गया। इसमें फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव था, फिलिस्तीन ने इसे ठुकरा दिया। फिलिस्तीन का ये प्रतिरोध चल रहा था और इसे दबाने के लिए यहूदी संगठन भी हिंसा कर रहे थे। इनमें से एक संगठन था इरगुन, वो फिलिस्तीनियों पर हमले करता और ब्रिटेन की फोर्सेस को भी निशाना बनाता। 1946 में इसी इरगुन ने जेरूसलम स्थित किंग डेविड होटल में बम फोड़ा। इस घटना में 91 लोग मारे गए। इसराइल के आधिकारिक गठन के एक महीने पहले अप्रैल 1948 में इरगुन ने डिर यासीन नाम के शहर में भी हमला किया, जिसमें 254 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल और फिलिस्तीन का साझा इतिहास ऐसी ही हिंसाओं से भरा है। यह हिंसा इसराइल के गठन के पहले से जारी है। इसराइल के बनने के बाद इसमें कमी नहीं आई, ये और उग्र होता गया और इसी उग्रता का एक चैप्टर है हमास। क्या है हमास? इसका पूरा नाम है हरकत उल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी फाइट बैक करना। इसका गठन किया था शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने। वो इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच का हिस्सा थे। हमास के गठन की टाइमिंग भी बहुत अहम है। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1987 में और इसी साल शुरू हुआ था फिलिस्तीन में इंतिफादा। अब ये इंतिफादा क्या है? इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है झकझोरना, हिला देना। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा मूवमेंट का मकसद था इसराइल से आज़ादी हासिल करना। इंतिफादा का लक्ष्य था वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इसराइली कब्जे से मुक्त करना। 1987 का ये आंदोलन कहलाया फर्स्ट इंतिफादा। इसके भड़कने की तात्कालिक वजह बनी गाजा चेकपोस्ट पर हुई एक घटना। यहाँ फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था। इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चलाई, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए और इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस वक्त तक फिलिस्तीनी ज़्यादातर बिना हथियार के लड़ते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे और इजरायली फोर्सेस पर उग्र होते थे तो पत्थरबाजी भी करते थे, शांतिपूर्ण से आगे की कार्रवाई। लेकिन इसी बैकग्राउंड में जब हमास बनता है तो वो नए तरीके अपनाता है। 1988 में हमास अपना चार्टर जारी करता है, मकसद बताता है, 2 प्रमुख लक्ष्य, इसराइल का विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की लगातार कोशिश की और बहुत बातचीत के बाद और हमास के गठन के कुछ बरस बाद 1993 के साल में हुआ ओस्लो एग्रीमेंट। इस ओस्लो एग्रीमेंट में 2 बड़ी चीज़ें थीं। पहला, फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इसराइल को मान्यता दी गई और दूसरा, गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता हुआ। इस समझौते पर इसराइल की तरफ से दस्तखत किए प्रधानमंत्री यत्जैक रेबिन ने और फिलिस्तीनी पक्ष की तरफ से दस्तखत किए यासिर अराफात ने। अराफात PLO यानी फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे। PLO फिलिस्तीन की आज़ादी से जुड़ा सबसे प्रमुख संगठन था। एक समय था जब PLO फिलिस्तीन के समूचे ऐतिहासिक भूभाग को आज़ाद करवाने की मांग करता था, बंटवारे को खारिज करता था। लेकिन 1988 में यानी इसराइल के गठन के ठीक 4 दशक बाद PLO को समझ आ गया कि इसराइल को समूचा निकाल पाना मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए थोड़ा कंसेशन दिया जाए, बंटवारे को लेकर डील की जाए और इसी का रिजल्ट था ओस्लो एकॉर्ड। क्या PLO द्वारा किए गए समझौते से पूरे फिलिस्तीनी सहमत थे? नहीं। कई लोग अपने अधिकार छोड़े जाने का विरोध कर रहे थे, उन्हें बंटवारा मंजूर नहीं था और इन्हीं में से एक था हमास। वो ओस्लो एकॉर्ड के लिए हो रही वार्ता का भी विरोधी था और इसी बैकग्राउंड में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने वो किया जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाला था। उसने किया इसराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक।
हमास के फिदाइन अटैक की ये प्रेरणा उसे मिली हिजबुल्ला से। 1983 में हिजबुल्ला ने लेबनन में फिदाइन अटैक शुरू किए थे और वो इस मेथड को अपनी उपलब्धि बताता था। 1993 के अपने पहले सुसाइड अटैक के बाद से हमास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। 1994 में ओस्लो एकॉर्ड के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए PA यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन हो गया। लेकिन इसके बाद भी हमास ने आत्मघाती हमले जारी रखे। हमला करने की उसकी दो प्रमुख मंशा थी, पहला फिलिस्तीनी आबादी का सपोर्ट जुटाना और दूसरा शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना। कभी बस में, कभी कार, तो कभी बाजार, हमास ने कई सुसाइड अटैक किए। 1997 में अमरीका ने हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया। इसराइल ने भी हमास को एलिमिनेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी हमास का प्रभाव, उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई। उसे ईरान जैसे इसराइल विरोधी देशों से फंडिंग भी मिली। हमास का वजूद और मजबूत हुआ नई सदी में। इसे ट्रिगर करने वाली घटना जुड़ी है साल 2000 से। ओस्लो एकॉर्ड को 7 साल हो चुके थे। इसकी वजह से शांति की जो उम्मीदें बंधी थीं वो पूरी नहीं हुई थी, और इसके लिए सिर्फ फिलिस्तीन के कट्टरपंथी जिम्मेदार नहीं थे, इसराइल की तरफ भी ऐसे ही कट्टरपंथी थे जो इस ओस्लो एग्रीमेंट से खफा थे। और इसी का नतीजा था कि इसराइल के प्रधानमंत्री इत्याक रॉबिन की समझौते के कुछ ही दिनों के बाद हत्या कर दी गई थी। जो नए सिरमौर बने उन्होंने भी बातचीत को जारी रखा, लेकिन दोनों तरफ के कट्टरपंथी बाधा पहुंचा रहे थे, यानी शांति की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2000 में अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में होता है कैंप डेविड सम्मेलन। कहते हैं कि इस वार्ता के दौरान इसराइल ने समूचा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ कंसेशन देने के लिए राजी हुए, लेकिन अराफात ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उनके ऊपर घरेलू मोर्चे से दबाव था, और इसके चलते वार्ता नाकाम रही। इसराइल और अमरीका ने इसका दोष दिया फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात को। कई जानकार कहते हैं कि मामला इतना सिंपल भी नहीं है। वेस्ट बैंक और गाजा, ये दोनों फिलिस्तीनी इलाके हैं। वेस्ट बैंक को समूचा न लौटाकर इसराइल कोई उदारता नहीं दिखा रहा था, ना ही जेरूसलम पर फिलिस्तीन को कंसेशन देना उदारता थी। 1967 के युद्ध में इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा किया था। वेस्ट जेरूसलम पहले ही उसके कंट्रोल में था, मतलब पूरा जेरूसलम इसराइल के पास आ गया था। उसने वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा किया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीनी इलाके हैं और इन पर इसराइल का कब्जा अवैध माना जाता है। ऊपर से इसराइल ने जेरूसलम के जिन 3 गांवों को लौटाने का वादा किया था उससे भी वो मुकर गया। ऐसे में कैंप डेविड वार्ता की नाकामी का समूचा ठीकरा अराफात पर नहीं फोड़ा जा सकता। कैंप डेविड की नाकामी से यूं ही माहौल खराब था, और फिर सितंबर 2000 में एक और बड़ी घटना हो गई। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शरोन जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट पहुंचे। उनका मकसद था इस विवादित परिसर पर इसराइल के दावे का प्रदर्शन, और इस घटना से आग फिर भड़क गई। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इसराइल इस परिसर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, और इसी घटना के बाद शुरू हुआ सेकेंड इंतिफादा। इस बार ये मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा हिंसक था। इस सेकेंड इंतिफादा का लीडर था हमास। उसने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए। इसराइल ने भी हिंसा में कमी नहीं रखी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया, और इसी सेकेंड इंतिफादा के शुरू होने के कुछ महीने बाद अप्रैल 2001 में हमास ने इसराइल पर पहला रॉकेट हमला भी किया। कुछ बरस बाद 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह अब PA का चेहरा बने महमूद अब्बास, लेकिन उनके पास ना तो अराफात जैसा सपोर्ट था ना ज़्यादा स्वीकार्यता, और इसके चलते हमास का कद फिलिस्तीनियों के बीच और बढ़ गया। इसकी मिसाल दिखी 2006 में। इस बरस फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की सीटों के लिए चुनाव हुए, और इसमें हमास को बहुमत मिला। इस जीत का मतलब था वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा होता। इस जीत ने हमास और PA के बीच की दरार को गहरा किया। PA में दबदबा था फतेह का, वो हमास का कट्टर प्रतिद्वंदी था, राजनीतिक गुट। PA के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इसलिए कि वो इसराइल से डील का पक्षधर है। उसे इंटरनेशनल बिरादरी से मोटा फंड भी मिलता है, और कहते हैं किसी फंडिंग ने PA को बहुत भ्रष्ट भी बना दिया। PA खासतौर पर फतेह किसी कीमत पर वेस्ट बैंक का कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसने हमास को साइड लगाने की कोशिश की, और इसका नतीजा हुआ बंटवारे में। वेस्ट बैंक पर पाक फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का यानी PA का कंट्रोल हो गया, और गाजा का डिफैक्टो रूलर हो गया हमास। यानी अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी का नेतृत्व करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई एक संगठित अथॉरिटी नहीं थी।
पीएलओ की इस फूट के चलते 2006 के बाद फिलिस्तीन में कोई चुनाव ही नहीं हुआ। हमास और फतेह आपस में भी एक दूसरे से लड़ते रहे और इस फूट का इसराइल ने खूब फायदा उठाया। उसने शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया, कहा जब तक हमास से गाजा की कमान नहीं छीनी जाती तब तक बातचीत संभव नहीं। इसराइल जानता है ऐसा कर पाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं, सुनना राधा के नौमन तेल होंगे न राधा नाचेगी। अब आते हैं मौजूदा प्रकरण पर। एक बार फिर हमास और इसराइल में जंग छिड़ गई है, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस जंग में गाजा को हो रहा जानमाल का नुकसान इसराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि हमला शुरू करने के पहले हमास को इसका आभास नहीं था, फिर भी उसने हमला किया। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट का हालिया घटनाक्रम। इसराइल और यूएई के बीच समझौता हो चुका है, बहरीन, मोरक्को और सूडान से भी उसकी डील हो चुकी है। सऊदी के साथ इसराइल का जाहिर तौर पर भले एग्रीमेंट ना हो लेकिन पर्दे के पीछे उनमें भी दोस्ती हो चुकी है। यानी अब फिलिस्तीन की साइड लेने के लिए बस ईरान और तुर्की बचे हैं। ईरान पहले से ही दुनिया में अलग थलग है और एर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की की मुस्लिम लीडर बनने की कोशिश को इस्लामिक देश सपोर्ट नहीं करते। यानी फिलिस्तीन की समस्या भले अनसुलझी हो लेकिन उसके ज्यादातर मददगार उसे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। एक तरफ ये बाहरी चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किए जाने के चलते हमास के कंट्रोल वाला गाजा भी बदतर स्थिति में है। काफी गरीबी है वहां, हमास इस फ्रंट पर कुछ बेहतर नहीं कर सका। 2007 से गाजा का कंट्रोल उसके पास है लेकिन उसकी पावर वहीं तक महदूद है। पूरी फिलिस्तीनी आबादी का प्रतिनिधि कहलाने के लिए उसे वेस्ट बैंक का भी कंट्रोल चाहिए लेकिन उसे ये कंट्रोल मिल नहीं पा रहा। यहाँ पीए और इसराइल दोनों साथ मिलकर उसे कुचलने में लगे रहते हैं। इस बरस अप्रैल में यहाँ चुनाव होने थे। हमास को उम्मीद थी कि शायद चुनाव में जीतकर उसके लिए कोई राह बने, और इसकी वजह ये कि पीए इतना बेअसर और भ्रष्ट है कि आम फिलिस्तीनियों में उसके लिए सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन पीए ने वो चुनाव नहीं होने दिया। और ऐसे में जेरूसलम में भड़का ताज़ा विवाद हमास के लिए एक मौका लेकर आया। इसराइली फोर्सेस के अलक्सा परिसर में घुसने, वहां हिंसा करने को हमास ने इस्लाम का अपमान कहा और इसी मुद्दे पर उसने रॉकेट हमले शुरू किए। इसमें भले गाजा के लोग मारे जा रहे हों लेकिन हमास के पास अब मौका है, वो दावा कर सकता है कि हम ही अकेले फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। पहले हुए संघर्षों की तरह इस बार भी इसराइल और हमास एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा चोट देने में लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी शांति की अपील कर रही है। पहले की घटनाओं से अंदाज़ा लगाएं तो होगा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सीज़ फायर करवाने की कोशिश करेगी। सीज़ फायर शायद हो भी जाए फिलहाल। इसराइल कहेगा कि हमने हमास को मुंह तोड़ सबक सिखाया, हमास कहेगा हमने इसराइल के दांत खट्टे किए। दोनों पक्ष खुद को विजेता बताएंगे, लड़ाई फिलवक्त रुक जाएगी, छिटपुट हिंसा जारी रहेगी और फिर एक रोज़ किसी न किसी वजह से ये हिंसा दोबारा शुरू हो जाएगी। हमास के विरोधी और समर्थक दोनों हैं। विरोधी कहते हैं वो आतंकवादी हैं, वो इसराइल के आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं, स्कूलों को भी नहीं बख्शते, इसराइली सिविलियंस को किडनैप कर हत्याएं करते हैं और उनकी हिंसा से फिलिस्तीनियों का कोई भला नहीं होता। गाजा की आबादी आज भी भीषण गरीबी में रहती है, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हमास के पास फंड नहीं लेकिन हथियार खरीदने, रॉकेट और मिसाइल जमा करने के लिए खूब पैसा है। हमास स्कूलों और मस्जिदों में हथियार छिपाने और स्टोर करने की भी खूब वकालत करता है और इसको लेकर भी उसकी खूब आलोचना होती है। लेकिन विरोधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमास की हिंसा फिलिस्तीन का केस कमज़ोर करती है। ताज़ा हिंसा पर अमेरिका की ओर से भी ऐसा बयान आया। वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनसे सवाल पूछा गया कि हिंसा में ज़्यादा तो फिलिस्तीनी ही मर रहे। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि हमास टेररिस्ट संगठन है, उसकी और इसराइल की हिंसा में अंतर है। हमास हमला कर रहा है और इसराइल हमले से अपनी रक्षा। ये हमास के विरोधियों के तर्क हैं। हमास के समर्थक क्या कहते हैं? इन तर्कों को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि इसराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया, इतने दशकों बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कब्जा खाली नहीं करवा सकी, वो फिलिस्तीन को उसका हक नहीं दिलवा सकी, बल्कि इसराइल खुलेआम कब्जे वाले इलाकों में अपने सेटलमेंट बढ़ा रहा है, अपनी जो आबादी है उसको फिलिस्तीनी आबादी पर थोप रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ हिंसा कर रहा है। हमास समर्थकों के मुताबिक हमास की तरह इसराइल ने भी फिलिस्तीन के आम लोगों को निशाना बनाया, शांति प्रक्रिया को टरकाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया। ऐसे में इसराइल कैसे निर्दोष हुआ? 2008-2009 में इसराइल फिलिस्तीन के बीच हुई हिंसा पर यूएन मानवाधिकार काउंसिल ने एक जांच गठित की थी, उसके बारे में भी जान लीजिए। इसने दोनों पक्षों पर लगे युद्ध अपराधों को इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि दोनों ही पक्षों ने ज्यादतियां की। अभी फरवरी 2021 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों में हुए कथित युद्ध अपराधों की जांच का अधिकार उसे है। हालांकि इसे इसराइल ने यहूदी विरोधी ठहरा दिया और आईसीसी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया।
इसराइल के आलोचक कहते हैं कि वो अपनी ताकत के दम पर मनमानी करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। ऐसे में इसराइल को निर्दोष कहना जायज नहीं। इसराइल और फिलिस्तीन का इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें कोई भी पक्ष पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। लड़ाई शुरू हुए करीब एक सदी हो गई, लेकिन हिंसा और बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। इंटरनेशनल बिरादरी विवाद सुलझाने में नाकाम, जबकि इतिहास का सबक ये कि ये मसला हथियारों से हल नहीं होगा। हिंसा के जवाब में प्रतिहिंसा होती रहेगी। इसराइल और फिलिस्तीन पहले भी कई बार समझौते का मौका मिस कर चुके हैं। कभी एक पक्ष ने रोड़ा अटकाया, कभी दूसरे ने प्रस्ताव खारिज किया। अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना था तो उसने तालिबान को बराबरी में बिठाकर वार्ता की, डील की, और इस डील के चक्कर में उसने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को भी सेकेंडरी पावर बना दिया। अगर फिलिस्तीन का हल निकालना है तो हमास को भी वार्ता की मेज पर लाना होगा। कुछ जानकार मानते हैं कि अगर इसराइल गाजा को आर्थिक राहत दे तो शायद हमास से डील हो सकती है। वैसे भी हमास के साथ फंडिंग की समस्या रही है। ईरान उसका सपोर्टर रहा है, हथियार और पैसा दोनों की आपूर्ति करता रहा है, लेकिन दोनों के बीच असहमतियां भी होती रही हैं। मसलन जब ईरान ने सीरिया में असद सरकार को सपोर्ट किया तब हमास और ईरान के बीच दूरी आ गई, फिर ईरान ने फंडिंग रोकी। ईरान ने हमास की जगह इस्लामिक जिहाद नाम के एक और चरमपंथी गुट को फिलिस्तीनी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मई 2017 में हमास ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया और इसमें उसने समझौते के संकेत दिए भी थे। 1967 से पहले की फिलिस्तीनी सीमा को स्वीकार करने का भी संकेत दिया था हमास ने, यानी हमास ने भी थोड़ा सा टोन डाउन किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसराइल समेत बाकी देशों को इसी दिशा पर आगे बढ़ना चाहिए। इसराइल को चाहिए कि वो फिलिस्तीनी इलाके खाली करे, अवैध यहूदी सेटलमेंट्स पर अपने पांव पीछे खींचे, ये दिखाना बंद करे कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जवाबदेहियों से ऊपर है, और बदले में फिलिस्तीन को भी हिंसा रोकने की गारंटी देनी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता, हिंसा के एपिसोड्स होते रहेंगे। आज की दुनियादारी में इतना ही। यदि आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो पिछले दिनों हमने दो बड़े वीडियो किए उसके लिंक भी मिल जाएंगे। पहला, जिसमें हमने अल-अक्सा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके के विवाद, उसके इतिहास और वर्तमान के बारे में बताया, और दूसरा वीडियो जिसमें हमने आपको इसराइल के डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम कहते हैं, उसके बारे में बताया। दुनियादारी में अब विदा लेने का वक्त। अपना ख्याल रखिए।